आज आप हमारे साथ झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में अवस्थित सतगावा प्रखंड के गांव से गुजरते हुए यहां के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों को देखेंगे। कोडरमा जिला छोटा नागपुर पठार पर बसा हुआ है और इसके 60% भाग पर जंगल है। सतगावा प्रखंड में बने हुए पुल से चारों ओर देखने पर मनमोहक हरियाली, छोटी नदी में बह रहे साफ पानी, खजूर के पेड़, बादलों से ढकी खूबसूरत पहाड़ियां, खेतों में लगी हुई धान की फसल मन मोह रहे हैं। जब हम पुल से आगे बढ़ते हैं, साफ सुथरी सड़क के किनारे खेतों में लहलहाती फसल, पेड़ों की हरियाली और हरियाली से ढके हुए पहाड़ियों के बगल से गुजरना एक अद्भुत एहसास कराता है। जिस ग्रामीण सड़क से हम अभी गुजर रहे हैं वह काफी साफ सुथरी है और इस पर आवागमन नगण्य है। हम प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए कोई हिल स्टेशन या कोई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जाते हैं, लेकिन अपने आसपास की जगहों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप सड़क से गुजरते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं तो इस रास्ते से अवश्य गुजरना चाहिए। यह सड़क झारखंड राज्य के गिरिडीह और देवघर जिला को बिहार राज्य के नवादा जिला से जोड़ती है। आप इस सड़क से होकर गिरिडीह, देवघर, धनबाद, गया या पटना जा सकते हैं। इस सड़क से गुजरने पर गिरिडीह से नवादा, गया या पटना की दूरी कोडरमा घाटी से गुजरने की तुलना में 25 किलोमीटर कम पड़ता है और ट्रैफिक भी नगण्य रहता है, जिससे आपका समय बचता है और थकावट भी कम महसूस होती है। इस सड़क के किनारे पीपल का एक काफी पुराना विशाल पेड़ है जिसका व्यास लगभग 100 फीट है। इस पेड़ की शाखाओं में अनेक प्रकार के पक्षियों के घोंसले हैं। पक्षियों के कलरों से पेड़ के आसपास दिन भर गुंजायमान रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।